हम लोग तो बहुत खुश है ना कि हम लोग का पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री इस बार फोर्थ टाइम चीफ मिनिस्टर बन गया है। फोर्थ नहीं हो तो इसीलिए कल तो हम लोग का कर्शन में आ रहा है जीतने के बाद में, तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। इसलिए हम लोग मैंने उनका स्वागत के लिए हम लोग ये सब झंडा सब बना करके प्रिपेयर कर रही हूँ, और हम लोग का जितना भी पहाड़ का पीपल है, ऑल कम्युनिटी, ऑल क्लब बोलिए, एसोसिएशन बोलिए, सब लोग, और जितना भी गवर्नमेंट का तरफ से जितना भी वो है, जैसे कि प्राइमरी टीचर्स, वॉलंटियर टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स के ले करके पे बैंड का कर्मचारी लोग, सब लोग हम लोग का टीएमसी का बैनर में के दीदी को स्वागत करेगा। इवन कि आज से जीटीए ने कुछ नहीं किया है, करीबन 300 से भी ज़्यादा डाइट एंड हार्नेस केस का जो एसोसिएशन है, वो लोग भी एसोसिएशन बनाए, वो लोग भी हम लोग का बैनर में आ करके दीदी का स्वागत करेगा। शांता जी, देखिए आपने ये बात कर रहा है जो कुछ भी नहीं किया जीटीए ने, लेकिन जीटीए ने लास्ट टाइम ने जिन्हें चला रहा था उनको भी कल मैडम के स्टेज में शेयर किया गया था, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस, जो आप लोग को अलायंस है पहाड़ में, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का सुप्रीमो को स्टेज शेयर किया गया था, लेकिन पहाड़ में एक दूसरा मैसेज किया जाए किसी के साथ नहीं, पहाड़ में अनित के ऊपर में भरोसा रख रहा है मुख्यमंत्री, इस जगह पे आपका क्या कहना? इसमें मेरे को कोई कमेंट करने का बात नहीं है, और इसमें कोई कमेंट करने का बात नहीं है, क्योंकि जीटी का बारे में तो डिफरेंट पार्टी लोग, जो अपोजिशन का पार्टी लोग है, वो लोग तो बोल रहा है कि घोटाला हुआ है कुछ, लेकिन आपने भी तो खुद आरोप लगाया था। नेचुरली सरकार तो ऑडिट कर रहा है ना, इसके मैं तो चाहती हूँ फिजिकल, जहाँ पर वो लोग रास्ता बनाए, जो जीटीए का रास्ता था वो पीडब्ल्यूडी में दिया था, वो पहले जो जब मैंने इलेक्शन नहीं हुआ था उसके आगे दिया था, उसमें 32 करोड़ का काम किया है, क्या बनाया है रास्ता, उस समय तो अरूप विश्वास था ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो उस समय में ऐसा क्यों दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। हम लोग का तो जीटीए का तो जो था ना, हम लोग का जो की बन सकते लाइक हम लोग जो जीटीए में केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर में तो 5 मेंबर था, विदाउट द कंसेंट ऑफ द 4 मेंबर्स कैसे दिया वो उस समय वो चेयरमैन ने। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑडिट होना चाहिए, फिजिकल जो रास्ता बना है कुछ भी बना है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। देखिए पहाड़ दीदी सबको प्यार करता है, दार्जिलिंग से लेकर के पहाड़ से लेकर के सुंदरबन से लेकर के बीरभूम बांकुड़ा पुरुलिया सब हर एक आदमी को दीदी प्यार करती है, इसलिए तो आ रही ना। इसलिए फर्स्ट टाइम फोर्थ बार जब दीदी ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है, उसके बाद में तो दीदी आ रही है, तो हम लोग तो वी आर वेरी हैप्पी, और इसमें राजनीति करने का कोई दरकार नहीं है, हम लोग तो टीएमसी का पक्का टीएमसी का बैनर का हम लोग सोल्जर्स है, तो इसमें राजनीति करने का क्या बात है, सिलीगुड़ी में एक ठो राजनीति करेगा, दार्जिलिंग में एक ठो राजनीति कर, ऐसा नहीं होगा। हम लोग टीएमसी का असली वर्कर है, असल हम लोग सोल्जर है, राजनीति कोई पार्टी में मीटिंग में कोई राजनीति करेगा दैट आई कांट टॉलरेट। देखिए आपने तो कहा, लेकिन आपने और एक चीज़ करके आया अभी हाल ही जो दोबारा हुआ, जो ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस बंगाल बेस का जितना भी पार्लियामेंट मेंबर है, अपर हाउस हो और लोअर हाउस हो, कोई भी पार्लियामेंट मेंबर अभी तक अपने सर के केश त्रिपुति को अपना पार्टी के लिए उत्सर्ग नहीं किया, आपने दो बार किया, इसका वजह क्या थी? नहीं, पहला बार तो मेरा अपना माँ बाबा के लिए किया, क्योंकि मेरा माँ बाबा देखना चाहते थे कि मैं एमपी बनूं। लेकिन पहाड़ के लिए आप लोग क्या मांग सकता है इस बार सीएम के पास? हम लोग कुछ नहीं, मैं दीदी बहुत दिया है, हम लोग कुछ भी नहीं दिया है, दीदी हम लोग का बहुत दिया है, हम लोग कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हम लोग दीदी तो हम लोग का लीडर है ना, हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हूँ मैं, आप लोग चुनाव सब मिल करके काम जीटीए चुनाव के लिए आप लोग दीदी के पास कुछ दिस इज द मैन नॉट मैटर फॉर अस, दिस इज द मैटर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट तो आप लोग की है ना, उस गवर्नमेंट की हिस्सा भी तो आप है,
दीदी दीदी जो बोलेगी वही होगा। लेकिन आप उम्मीद करते हैं जो वेस्ट बंगाल जो बोलेगा वही होगा, हम लोग क्यों बोलेंगे? हम लोग तो काम करने वाला, हम लोग तो सिपाही है। लेकिन एक बात आ रहा है, अभी आज मुख्यमंत्री पहाड़ में आने वाली है, इसमें कुछ कंफ्यूज क्रिएट हुआ। कल आएंगे। अब कंफर्म हो गया ना?